गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नई चीज़ें भी सीखी होंगी, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको जो भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं या जो चीज़ आपको पहले से पता थी, इनको खुद से अगर आपको बोल दिया जाए कि जो है ये डेफिनेशन होता है हिंदी में इस पर्टिकुलर चीज़ का, इसको इंग्लिश में जो है अपने लैंग्वेज में लिख के बताओ, तो अगर आप वो कैपेबल हो इस लेवल पे कि आप जो है आपको के सामने कोई भी हिंदी सेंटेंस दिया जा रहा है या कोई भी हिंदी सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो दैट इज़ रियली वेरी गुड। गिवन दैट कि आप काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल से कई सालों से आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश में चीज़ें लिखने आनी चाहिए होंगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा माहौल का प्रॉब्लम होता है, अगर माहौल होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने का तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, लेकिन अगर माहौल नहीं है तो आप माहौल क्रिएट कर सकते हो, और वो भी नहीं हो तो एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो आप कि टीवी वगैरह अगर आप देख रहे हो, कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो इंग्लिश में देखने की कोशिश करो। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी देखना बिल्कुल ही छोड़ दो, मतलब आपको ऐसा करना है कि इंग्लिश में ऑलमोस्ट महीना, दो महीना, तीन महीना, खास करके कार्टून मूवीज़ अगर आप देखना स्टार्ट करोगे, कार्टून मूवीज़ में जो इंग्लिश लैंग्वेज में वो बोलते हैं वो काफ़ी आराम से बोलते हैं, काफ़ी सिंपल होता है तो उसको समझना भी काफ़ी ईजी होता है। तो कार्टून मूवीज़ अगर आप देखना स्टार्ट करते हो साथ में, मतलब ऐसा एक टारगेट बना सकते हो कि अच्छा ठीक है एक दिन हिंदी मूवी देखेंगे एक दिन इंग्लिश मूवी देखेंगे ऐसा करके, तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है इस तरह का माहौल पाने का, इंग्लिश इन्वायरमेंट पाने का। ठीक है, तो मतलब ऐसे तो देखा जाए कि हिंदी तो ठीक है, हिंदी आप लोगों में से हिंदी में हिंदी भी बहुत ज़्यादा लोग को अच्छे से नहीं आती है, उच्चारण करना नहीं आता हिंदी के शब्दों का, तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। हिंदी तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपकी मातृभाषा है, और अपने देश का एक दुर्भाग्य है कि जो हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है रादर देन हिंदी स्पीकिंग पीपल। लेकिन जैसे इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, जर्नलिज्म में अगर आप हाई सोसाइटी की बात करो तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू है अगर कंपेयर किया जाए किसी हिंदी स्पीकिंग रिपोर्टर की या फिर जर्नलिस्ट की, तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो ट्रेंड को फॉलो करना है। अभी का ट्रेंड ये है कि चलो इंग्लिश आनी चाहिए अच्छी, दैट डजेंट मीन कि हिंदी नहीं आनी चाहिए, हिंदी तो आनी ही चाहिए, इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी पकड़ होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वही एक इंग्लिश लैंग्वेज में मूवीज़ वगैरह देखने की बात मैंने कर दी, खास करके कार्टून मूवीज़ देखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अपने आसपास में मतलब एक आप वो बना सकते हो, रूल बना सकते हो अपने लाइफ में कि डेली बेसिस पे मुझे 5 इंग्लिश वर्ड्स खोजने हैं जो मुझे पहले नहीं पता थे, और उनको अपनी डायरी में लिखना है या अपने किसी कॉपी में लिखना है, जो आपकी पर्सनल कॉपी होगी या पर्सनल डायरी होगी उसमें इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स और उसका प्रोनाउंसिएशन इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो आपका पर्सनल होगा और उसको जो है रटने की कोशिश करो। अगर एक दिन में 5 वर्ड्स आप जो है याद कर रहे हो तो एक महीने में 150 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 150 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं था, जिनका मीनिंग क्या होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अगर ऐसे आप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, तो अगर एक महीने में 450 वर्ड्स हो रहे हैं तो एक साल में कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 5000 के आसपास वर्ड्स हो जाते हैं। 5000 के आसपास वर्ड्स हो जाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ कि एक साल में अगर आप 5000 वर्ड्स आपको याद हो रहा है, जितने भी अच्छे अच्छे स्पीकिंग पीपल हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, उनमें एक का नाम शशि थरूर भी है, काफ़ी फेमस है, वो पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने ऐसा तो करा नहीं होगा, एकदम से मैजिक हुआ होगा उनको सारे वर्ड्स पहले से बिल्कुल क्लिक कर गया होगा, आता होगा पहले से, उन्होंने क्या करा, बुक्स वगैरह पढ़ी हुई है तो वहाँ से वर्ड्स वगैरह उनको सीखने को मिला। ठीक है, तो द की पॉइंट इज़ कि आपको हमेशा सीखते रहना है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो और अगर दो साल जब मतलब इंग्लिश स्पीकिंग मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है
उसमें अगर आप 2 साल एटलीस्ट पढ़ रहे हो, 2 साल आप रह चुके हो, तो आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए चीज़ें, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता हो शुरू के दिनों में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो, लेकिन कोशिश करनी है कि गलती बिल्कुल ना हो। आप घर पे स्टोरी वाली बुक्स मंगवा सकते हो अपने पापा से बोल के। ठीक है, बाकी आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो गई हैं कि फ़ोन पे सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई बुक वगैरह मंगवाना है, मंगवाने की जगह पे फिज़िकल कॉपी की जगह पे आपको ई बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। ई बुक्स जो है फ़ोन में ही आप पढ़ सकते हो, वो थोड़ा सा पेपर भी बचाता है आपको, वो फ्री में भी मिल जाता है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। तो एनफ अबाउट इट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अगला, हार्डनेस। हार्डनेस इज़ टफनेस। देखो यहाँ पे टॉपिक दिया भी हुआ है, हार्डनेस इज़ अ सिनोनिम ऑफ टफनेस। तो टफनेस किसी चीज़ का क्या दर्शाता है, मतलब कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा केपेबल है कि उसके ऊपर कितना भी ज़्यादा फोर्स वगैरह लगाया जाए, कितना भी उसको उसके ऊपर कोशिश करी जाए कि उस कितना भी उसको हिट करा जाए, फिर भी उसके शेप में कोई भी चेंजेस ना आए। जितना ज़्यादा ये एबिलिटी होगी उस चीज़ की, उतना ही ज़्यादा वो हार्ड होगा। और मैंने हल्का सा भी उसके ऊपर दबाव दिया और वो डिफॉर्म हो गया, कोई भी सब्सटेंस हुआ या कोई भी मटेरियल की बात करी जाए। तो अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट दैट हार्ड, दैट इज़ रादर वेरी वेरी लेस हार्ड। ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल नहीं बोलेंगे, रादर हम उसको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस जो है एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो टफनेस में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग इज टर्म्ड एज टफनेस। तो कह रहा है कि ये, आप देखो इसमें एक और वर्ड मिला है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस देखो दो मीनिंग्स इसके हो सकते हैं। अगर हम इंसान के ऊपर अप्लाई करें स्ट्रेस, तो बोलते नहीं कि यार मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि उसका उसका प्रेशर इतना ज़्यादा मेरे ऊपर है कि मुझे जो है एक तरीके से तनाव हो रहा है। ठीक है, मैं उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हूँ। टेंशन एक मतलब एक तरीके से हम प्रेशर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और वही अगर किसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करी जाए, जहाँ मटेरियल्स के टर्म में बात करी जाए, तो वहाँ पे ये है कि किसी तरीके का हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कि वो इसके ऊपर अपने हाथ का बल लगा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, या किसी किसी तरीके के दूसरे मटेरियल का दबाव लगा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, दैट इज़ वॉट स्ट्रेस इज ऑल अबाउट। तो इसी को टफनेस बोला जाता है, कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड, विदस्टैंड मतलब झेल जाना। ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर ये झेल जा रहा है बिना ब्रेक किए, तो दैट इज़ वॉट हार्डनेस इज। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अ मटेरियल विद हाई स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी विल हैव मोर टफनेस दैन अ मटेरियल विद लो स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी। अब देखो, डक्टिलिटी एक नया टर्म होगा आपके लिए। तो डक्टिलिटी कुछ भी नहीं है, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को मैं, किसी भी तरह के मटेरियल को अगर मैं खींचता चला जाऊँ, वो खींचता चला जाए, वो बिना टूटे खींचता चला जाए, उसी को बोला जाता है डक्टिलिटी। जैसे कोई भी जो आपके घरों में जो वायर्स होते हैं, जिसकी वजह से जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वायर्स क्या हैं, वायर्स जो कॉपर वायर्स होते हैं, उसमें क्या था क्या रहा होगा, जो कॉपर मटेरियल होगा, कॉपर जो एक तरीके का मेटल है, उस मेटल को हम खींचते चले गए होंगे। ठीक है, एक एंड पे कहीं पे बांध दिया होगा, दूसरे एंड से उसको खींचते चले गए होंगे, वो पतले तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि रबड़ी वगैरह अगर आपने देखी होगी बनते हुए, तो उसको खींचते हैं, जब वो खींचता है तो पतला होता चला जाता है, वैसे ये मेटल भी है, जब खींचता है तो पतला होता चला जाता है, और तार के फॉर्म में वो मतलब तार के पतले पतले तार, बिजली के पतले पतले तार के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही डक्टिलिटी है। अब कोई भी मटेरियल, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको जिसके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती, जैसे अगर हम वुड की बात करें, वुड को हम खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, वो खींच नहीं सकता, वो पतले तार के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसके अंदर डक्टिलिटी नहीं है। जिसके अंदर जितनी कम डक्टिलिटी होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी कमज़ोर हो सकती है। तो इसमें अगले पॉइंट में यही कह रहा है, अ मटेरियल विद हाई स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी विल हैव मोर टफनेस देन अ मटेरियल विद लो स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी। कह रहा है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो और डक्टिलिटी भी ज़्यादा हो,
वो उसकी जो हार्डनेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एक ऐसा मटेरियल है जिसका स्ट्रेंथ कम है और डक्टिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, दोनों ही ज़्यादा होने चाहिए, डक्टिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही प्रॉपर्टी मैच करता है कोई भी मटेरियल, तो दैट मटेरियल विल बी कॉल्ड एज हार्ड मटेरियल। ठीक है, अदरवाइज दैट विल बी कंसिडर्ड एज रादर सॉफ्ट मटेरियल। अगर कंपेरिजन दो चीज़ों की करी जाए कि ये कौन सा ज़्यादा टफ है, तो एक जो टफ होगा उसको टफ बोल लिया जाएगा, जो थोड़ा सा कम टफ होगा उसको हम रिलेटिवली बोल बोल सकते हैं कि सॉफ्ट है, नॉट दैट टफ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हार्डनेस, हार्डनेस के टर्म्स में अगर बात करी जाए तो दो 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 कैटेगरी इसमें आता है। एक तो हार्ड मटेरियल एंड सेकेंड वन इज सॉफ्ट मटेरियल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप इसका भी 10-10 करके एग्जांपल ले सकते हो कि किसको आप जो है हार्ड बोलोगे, किसको सॉफ्ट बोलोगे। अच्छा, आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे आ सकता है कि ये चार मटेरियल्स हैं, इन चारों मटेरियल्स के को हार्डनेस के जो है बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में जो है वो कर सकते हो, आप कैटेगराइज कर सकते हो या फिर अरेंज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में जो है ऐसे वो कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पहले सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले दो मटेरियल्स को कंपेयर करो। दोनों में जो हार्ड है उसको लेफ्ट साइड में रखो और जो सॉफ्ट है उसको राइट साइड में रखो। फिर जो सॉफ्ट है उसको तीसरे मटेरियल से कंपेयर करो। उन दोनों में जो हार्ड होगा उसको जो है लेफ्ट में रखो और जो राइट में सॉफ्ट को रखो। फिर चौथे मटेरियल से ऐसे करो। तो ऐसे करके अरेंज चीज़ें हो जाती हैं आराम से। ठीक है, बाकी आगे आने वाले क्लासेस में आप जो है डेटा पे ज़्यादा रिलाई करोगे कि डेटा के बेसिस पे कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे करके। ठीक है, तो तब तक तो हमें ऐसे ही चलाना होगा कम से कम 1-2 साल और, उसके बाद हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है साइंस और ज़्यादा क्या कहते हैं डेटा ड्रिवन हो जाता है। डेटा आपको याद रखना पड़ता है ऐसे चीज़ों, ऐसे टाइम पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा रिलेटिवली टफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और डिफॉर्म्ड ईजिली आर रिफर टू एज सॉफ्ट मटेरियल्स या सॉफ्ट सब्सटेंसेस। तो ऐसे मटेरियल जिनको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसी को हम जो है सॉफ्ट मटेरियल्स बोल सकते हैं। जैसे साबुन की बात करिए, साबुन में मैंने अगर नाखून हल्का सा भी लगा दिया तो साबुन जो है साबुन के अंदर गड्ढा हो जाता है, हमारा नाखून साबुन के अंदर चला जाता है, तो वो एक सॉफ्ट मटेरियल, क्योंकि उसके शेप को हम बड़े ही आसानी से चेंज कर पा रहे हैं। उसका शेप एक साबुन का, साबुन की जो टिकिया आती है वो जिस शेप में था उसमें मैंने एक नाखून लगा दिया तो नाखून का उसमें शेप दिखने लगा। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि वो सॉफ्ट मटेरियल है। वहीं अगर मैंने ईंट की बात करी होती तो ईंट उतना सॉफ्ट नहीं है, ईंट इज़ रिलेटिवली हार्डर। लेकिन अगर वही ईंट और लोहे की बात करी जाए तो लोहा इज़ हार्डर, क्योंकि लोहे में डक्टिलिटी है और ईंट में डक्टिलिटी नहीं है। अगला पॉइंट इज़ वेयर एज मटेरियल्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू बेंड और कंप्रेस एंड आर टर्म्ड एज हार्ड सब्सटेंसेस। सीधी सी बात है, सॉफ्ट का जस्ट उल्टा होता है, एंटोनिम है। तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको कंप्रेस नहीं कर सकते हम, जिनको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, उनको हम हार्ड सब्सटेंसेस या फिर हार्ड मटेरियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, आज इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।